अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आफा और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने शो के साथ जिसका नाम है इल्म का आंगन। अब हम एक भी मिनट जाया किए बगैर जल्दी से आपको शाबाशी देते हैं और जो आपने खूबसूरत ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत सी खाने की चीज़ें बनाकर भेजी हैं। अस्मा अरशद ने जंग से हमें अपनी पूरी प्लेट बनाकर भेजी है जिसमें वो एक मुतवाजन गजा खाती हैं। आयशा जब्बार ने हमें जैकबाबाद से सब्जियां बनाकर भेजी हैं। गानिया ने कराची से हमें भिंडी बनाकर भेजी है। भिंडी मेरी भी पसंदीदा सब्जी है। आयला ने रावलपिंडी से हमें बहुत सारी मजे की खाने की चीजें बनाकर भेजी हैं। फातिमा शाहिद ने फतेहपुर से और जैनब शफीक ने जड़ावाला से बहुत मजे मजे की चीजें बनाकर भेजी हैं। अहमद रहमान ने हमें एक तरबूज बनाकर भेजा है जो इस मौसम में खाने का बहुत ही मजा आता है। और गुलाम हुसैन ने हमें कई सारी सब्जियां बनाकर भेजी हैं। शाबाश बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क मुकम्मल करके हमें अपने नाम, उम्र और शहर के नाम भिजवाए हैं। उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं अब्दुल मोईज अहमदपुर ईस्ट से, आयजा मलिक गुजरात से, अली रावलपिंडी से, अमन शहजादी फैसलाबाद से, आमना इस्लामाबाद से, अयास खान मर्दान से, अजलान लाहौर से, चंगेज़ खान पिशावर से, फातिमा फैसलाबाद से, फातिमा कराची से, इकरा फैसलाबाद से, इकरा मुल्तान से, इरम लाहौर से, मनुष लाहौर से, मारिया तलागंग से, मरियम पाकपतन से, मरियम फैसलाबाद से, नमरा शाहिद पिशावर से और रानी कराची से। शाबाश बच्चों। वेरी गुड। अब आप जल्दी से कॉपी और पेंसिल ले आएं और आज की किस्त के लिए तैयार हो जाएं। जल्दी करें, जल्दी करें। उसके बाद हमने वर्जिश करनी है और फिर आप थक जाएंगे तो आपका उठने का दिल नहीं करेगा। जल्दी से कॉपी पेंसिल ले आएं। ले आए? शाबाश। चले हम इसको साइड पे रख के जल्दी से 5 मिनट वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मरियम और आज हम करने जा रहे हैं 5 मिनट की वर्जिश। और ये वर्जिश इतनी आसान है और आपको बहुत पसंद आएगी। बस सबको इकट्ठा करें अपने घर पे और वर्जिश के लिए तैयार हो जाएं। सबने इकट्ठा करना है और मेरे साथ साथ रहना है। क्या आप तैयार हैं? हम अपना टाइमर करते हैं शुरू और टाइमर के पहले 10 सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि पहली एक्सरसाइज क्या है। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं या आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम बास्केटबॉल खेलना सीखेंगे। हाथ लेके जाएं नीचे और दूसरी तरफ ऊपर को छलांग मारनी है। एक तरफ लेके जाएं अपने हाथ और दूसरी तरफ छलांग मारें, जिस तरह के आप बास्केटबॉल के अंदर बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, बॉल उठाएं और बास्केटबॉल के अंदर और बास्केट के अंदर फेंकें, नीचे और ऊपर। एक साइड पे हाथ, दूसरी साइड पे आपने छलांग मारनी है, नीचे और ऊपर। एक और दफा करते हैं और खत्म। अब हम करेंगे एक मजे की एक्सरसाइज जिसमें हम बनेंगे बर्ड। बर्ड बनना आता है आपको? रेडी, शुरू करते हैं। 1 2 1 2। अपने बाजुओं को बर्ड की पर की तरह हिलाएं, ऊपर और नीचे। इमेजिन करें कि आपके पास पर है। इस तरह से आपने ऊपर और नीचे लेके जाना है और साथ में जिस तरह के मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्माइल करना है। स्माइल करें और बर्ड की तरह बाजू ऊपर और नीचे लेके जाते हैं और खत्म।
10 सेकंड के रेस्ट करते हैं और उसमें हम नीचे की तरफ आते हैं और हम बनते हैं सुपरमैन। रेडी? चलिए, एक बाजू ऊपर, एक टांग ऊपर, नीचे की तरफ, एक बाजू ऊपर, एक टांग ऊपर, बन जाए सुपरमैन। कितनी आसान तरीका है सुपरमैन बनने का। थोड़ी सी देर और मेरे साथ रहें और सुपरमैन बने। सुपरमैन किस किस को पसंद है? सबका फेवरेट हीरो है ना सुपरमैन। थोड़ी देर और, एक और दफा करते हैं और अब राउंड टू पर आते हैं। यही एक्सरसाइज शुरू से करेंगे हम। बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाए और हम करते हैं शुरू। नीचे से बॉल उठाए, दूसरी तरफ फेंकें, इधर से बॉल उठाए, इस तरफ फेंकें। आसान सी एक्सरसाइज है ये, बस आपने अब ज्यादा ऊंची छलांग मारने का कोशिश करना है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, कौन सबसे अच्छी छलांग मार के मुझे दिखाएगा? और जब आप नीचे जंप करेंगे आराम से लैंडिंग करनी है। नीचे ऊपर, एक और दफा, शाबाश, मेरे साथ रहें। गुड जॉब। बर्ड बनने के लिए तैयार हो जाए, पर हिलाने आपने, ठीक है? रेडी एंड गो। बाजू ऊपर और बन जाए पंछी। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, उड़ने की कोशिश करें। बर्ड जिस तरह हवा में उड़ती है उस तरह आपने उड़ के मुझे दिखाना है। थोड़ी सी देर और रहती है, मेरे साथ रहें, रुकना नहीं है। शाबाश, इसी तरह उड़ते जाएं, उड़ते जाएं। ऑलमोस्ट देयर और खत्म। बर्ड की तरह सुपरमैन भी उड़ता है, तो हम सुपरमैन की तरह उड़ना सीखते हैं अब। रेडी? तैयार है? और शुरू हो जाएं। बाजू ऊपर, टांग ऊपर, फिर दूसरी साइड की। सुपरमैन की तरह हम उड़ते हैं और हम सुपरमैन की तरह ही चुस्त रहना सीखते हैं। स्माइल करें और सुपरमैन बन जाएं। मेरे साथ रहें, थोड़ी सी देर और रहती, बस 5 सेकेंड। सुपरमैन बने रहें उतनी देर तक। एक और दफा और रेस्ट करें। अब हम करेंगे 2 स्ट्रेचेस और आपकी वर्जिश हो जाएगी खत्म। बाजू बाहर लेके जाएं, अंदर की तरफ लेके आए और इसको स्ट्रेच करें। और आपको अपने बाजू में एक मजे से स्ट्रेच की फीलिंग होगी। एक्सहेल करें, मतलब कि अपनी सांस बाहर को निकालें। और इधर ही रहना है आपने। कैसी जा रही है आपकी वर्जिश? सब ठीक ठाक है? किसी को पसीना आ रहा है? और अगर आ रहा है, बहुत खूब, पसीना आना बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स करते हैं और यही चीज हम दूसरी साइड पे करते हैं। बाजू बाहर निकालें, अंदर लेके आए और बाजू को लॉक कर लें। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी बच्चों, पसीना आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकले तो आपने फौरन से जाके नहाना है और अपने आप को साबुन से साफ करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है। जरासीम आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, वो आपने हटाने हैं। साफ रहना आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी वर्जिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी देर और आज की वर्जिश हो गई खत्म। अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत खूब, बहुत अच्छी वर्जिश की सबने। मैं आपको मिलूंगी अगली दफा। मेरा नाम है मरियम। अल्लाह हाफिज। वर्जिश भी हो गई और पानी भी पी लिया। बच्चों, वर्जिश करने के बाद थोड़ा बहुत पानी पी लेना अच्छा होता है। आप भी पानी पी लें और जब पानी पी रहे हो तो जरा ध्यान दें कि जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हैं वो किस चीज का बना है। शीशे और मिट्टी के बर्तन अमूमन बार बार इस्तेमाल होते हैं, स्टील के भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो
कागज और हल्के प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद तो हम उनको फेंक देते हैं तो वो जाया हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम एक ग्लास को ही बार बार इस्तेमाल करें और कागज और प्लास्टिक की चीजों को कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको इस्तेमाल करके हम यूं ही कहीं गली में सड़क पर कहीं ना कहीं फेंक देते हैं और उससे तो आलूदगी और कचरा होता है ना, और वो हमें अच्छा भी नहीं लगता। गुजरते गुजरते आपने कभी किसी सड़क या गली में कुछ फेंका है? और हो सकता है कि आपको लगता हो कि यहाँ पहले से ही इतना कूड़ा है तो मेरा एक कागज फेंकने से क्या होगा। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं, मुझे पता है, लेकिन बच्चों अगर सब ऐसे ही सोचें तो कूड़े के पहाड़ बन जाएंगे और उन पहाड़ों के साथ हमारा मुल्क अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर हम उन्हीं सड़कों पे एक एक करके कूड़ा के जैनब, ये जैनब कहाँ जा रही है? बेटी हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, ये क्या बात हुई? मैंने हजार दफा म्यूनिसिपैलिटी वालों को शिकायत की है मगर पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। इसका कोई हल नहीं है। अच्छा जाओ, जाकर खाना खाओ। कायद ने कहा कि मुश्तरका कोशिश और अपने मुकद्दर पर भरोसे से ही मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की शक्ल में अपने ख्वाब पूरे कर सकें। जैनब, जैनब बेटा, जैनब कायदे आजम, आप यहाँ? मेरा पोस्टर मुझसे बातें। ख्वाबों में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये एक ख्वाब है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्वाब है। वाओ! आज तुम कह रही थी ना कि पाकिस्तान में हर जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं। जी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वाओ! वाह, इतना खूबसूरत। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है और हम झील सैफुल मुलुक पर हैं। वो क्या है? ये वो सारा कूड़ा है जो तुम अपनी जिंदगी में फेंक चुकी हो। मैंने अकेले इतना कूड़ा फेंका? सोचो, जब सब कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? नहीं, तुम ये सब होने से रोक सकती हो। मैं अकेली? जैनब, तुम सब कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। और वो क्या है? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। जैनब, जैनब बेटा उठो, तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। क्या कर रही हो जैनब? सफाई। आज अपना घर, कल पाकिस्तान, ये पहला कदम है। भाई, जैनब तो बहुत ही अकलमंद लड़की है। उसने पहला कदम उठाया जो आप भी उठा सकते हैं। और अगर हम सब एक एक कदम उठाएं और अपने शहर, घर, गली सबको साफ रखें तो हमारा मुल्क कितना प्यारा लगेगा, लगेगा ना? इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम कूड़ा फेंके ही कम,
और एक तरीका है कि कूड़ा उठा लें। लेकिन फेंके कैसे काम? उठाना तो समझ में आता है कि हम गिरा देखें और उठा लें, लेकिन अब कूड़ा है तो उसका हम क्या करें? ओ, आपको पता है एक चीज होती है जिसका नाम है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कहते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि कूड़ा कम होता है, और जब कूड़ा कम होगा तो वैसे ही सफाई कम करनी पड़ेगी। ये रिसाइकलिंग होती कैसे है और कहाँ कहाँ हो सकती है? आपको पता है ये हमारे घर में, गली में, शहर में, मुल्क में, बाजारों में, शादियों पे, हर जगह हो सकती है। कैसे? अच्छा सवाल है, मैंने भी ये सवाल पूछा था। ऐसे हो सकती, मैं नहीं बताऊंगी, इसका जवाब आपको कहानी में मिलेगा। आइए आंटी सानिया के पास चलते हैं और अपनी कहानी आंटी से कहते हैं कि हमें जरा आज रिसाइकलिंग वाली कहानी सुनाएं, जो कहानी है एक अनोखी शादी की। इस अनोखी शादी में बहुत कुछ रिसाइकल हो रहा है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया, और आपको पता है मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ वो जो मुझे पसंद होती हैं। शादी में जाना किस किस को पसंद है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगता है शादी में जाना। मैं कोशिश करती हूँ कभी ना जाना पड़े, क्योंकि इतना शोर मचाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ऐसे क्यों बताऊँ, कहानी ना सुनाओ। ये कहानी है अनोखी शादी, और इसकी मुसन्निफा हैं वर्षा काजी, और इसके मुसव्विर हैं फहद अहमद, जिनकी तस्वीरें अब आप देखेंगे। सलाम राशिद, क्या हाल है? अमजद ने कहा। राशिद ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम अमजद, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो और कैसे आना हुआ? अमजद ने बताया, मैं तुम्हें उमर की शादी की दावत देने आया हूँ। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। अच्छा, अंदर तो आओ। अंदर आकर राशिद ने अमजद को दावतनामा दिखाने के लिए कहा। अमजद ने सर हिलाते हुए कहा, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें दावत मिल तो गई ना। राशिद ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अरे ये तो नया ही तरीका है। अमजद मुस्कुरा कर बोला, आगे और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जल्द ही वक्त गुजरा और शादी का दिन आ गया। राशिद ने स्टेज देखते ही कहा, इतना खूबसूरत स्टेज, लेकिन इन फूलों की खुशबू को क्या हुआ? अमजद ने बताया कि ये फूल रिसाइकल्ड कागज़ से बने हैं। ये बात राशिद को कुछ समझ में नहीं आई, और उसने पूछा, क्या असली फूलों की कमी हो गई थी? अमजद ने राशिद को समझाते हुए कहा, हमने सोचा किसी खूबसूरत चीज़ को कचरा बनाने से अच्छा है कि कचरे को खूबसूरत बना लिया जाए। निकाह का वक्त आया, मौलवी साहब ने निकाह के बाद दुआ पढ़वाई, और तमाम लोग आपस में गले मिलकर मुबारकबाद देने लगे। राशिद ने अमजद को थाल में रखे छुआरे दिए और कहा, इन्हें लोगों में तकसीम कर दो प्लीज। अमजद ने थाल में सिर्फ छुआरे देखे तो पूछा, इसमें सुपारी, टॉफियां वगैरह नहीं रखी? राशिद ने बताया, नहीं, वरना हर जगह उनका कचरा पड़ा रहता। खाने का वक्त आया तो राशिद और अमजद भी खाने के लिए बैठ गए। राशिद ने स्ट्रॉ ढूंढते हुए अमजद से कहा, मुझे कहीं स्ट्रॉ नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रॉ ले आओगे प्लीज़? अमजद ने जवाब दिया, स्ट्रॉ नहीं है दोस्त, हम दो मिनट में फेंक देते हैं, और वो हज़ारों साल ज़मीन पर रहकर हमारे माहौल को आलूदा करता रहता है। खाने के बाद
सब ने शादी में खूब हल्ला गुल्ला किया और दूल्हा दुल्हन को रुखसत किया, जिसके बाद राशिद और अमजद चीज़ें समेटने में मसरूफ़ हो गए। बावर्ची खाने में देखा तो एक तरफ बचा हुआ खाना रखा था, दूसरी तरफ बावर्ची कचरे के ढेर में से हड्डियां और सब्जियों के छिलके अलग कर रहा था। राशिद ने हैरान होकर पूछा, भाई इसकी क्या ज़रूरत है? बावर्ची ने कहा, बस देखते जाओ। वैसे तो शादियों के बाद मोहल्ले में हफ्ता भर गंदगी रहती है, लेकिन अगली सुबह मोहल्ला बिल्कुल साफ सुथरा था। ये हुई ना शादी, ऐसे होनी चाहिए शादी। शादी से पहले भी मोहल्ला साफ, शादी के बाद भी मोहल्ला साफ, है ना? अरे वाह, ये तो राशिद भी बड़ा ज़हीन निकला। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है और आलूदगी कितनी कम हो सकती है। आपने गौर किया कि बावर्ची ने किस तरह सब्जियों के छिलके और बाकी कचरा अलग किया और सब्जियों के छिलकों को मिट्टी में वापस दबा दिया। आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? इसलिए ताकि वो छिलके ज़मीन में ही गल जाएं और बाकी पौधों और फसलों को फ़ायदा दें। क्योंकि वो छिलके हमें कुदरत ने ही दिए हैं, तो हम अगर वो कुदरत को वापस कर दें तो उससे और पौधे और फसलें फ़ायदा उठा सकती हैं। कितना प्यारा निज़ाम है। साथ ही हमने ये भी देखा कि राशिद ने किस तरह सुपारियों और टॉफियां थाल में नहीं जाने दी। क्यों? क्योंकि हम उनको खा के उनके प्लास्टिक के बने रैपर फेंक देते हैं और प्लास्टिक आलूदगी करता है। इसी तरह स्ट्रॉज का इस्तेमाल भी आलूदगी करता है, क्योंकि स्ट्रॉज रिसाइकल नहीं हो सकते। बच्चों, वैसे राशिद ने ये क्यों नहीं किया कि वो ये सारा प्लास्टिक मिट्टी में दबा दे, जैसे उसने सब्जियों के छिलके दबाए थे? इसलिए क्योंकि ये चीज़ें कुदरत में जाके कुदरत को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। सब्जियां तो हमें कुदरत ने ही दी हैं, तो उनके छिलके मिट्टी में डालने से कुदरत को फ़ायदा होता है, लेकिन प्लास्टिक से नहीं। प्लास्टिक तो हम जितना जमा करते जाएंगे उतनी आलूदगी होती जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी में जाके गलता भी नहीं है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं भी महीने में 2 स्ट्रॉ तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करूँ। क्योंकि बच्चों, अगर मैं 1 महीने में 2 स्ट्रॉ इस्तेमाल करती हूँ तो साल में तो 24 हो जाते होंगे, है ना? हाँ, और ये तो एक मैथ का टॉपिक भी है, ज़र्ब, जो करके मुझे ये जवाब मिला। ऐसा कहते हैं कि आज हम ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। चलिए, आज हम ज़र्ब करना यानी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। एक दिन गोपी और शीबा दुकान में सामान का हिसाब किताब कर रहे थे। गोपी नीचे सामान की गिनती रिकॉर्ड में लिख रहा था और ऊपर स्टोर में शीबा चीजें निकाल निकाल कर गिन रहा था। सबसे पहले शीबा को 1, 2, 3 बटन्स के पैकेट्स मिलते हैं और हर पैकेट में 2 बटन थे। इन्हें शीबा रिपीटेड एडिशन के जरिए गिनता है। कुल 3 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 2 बटन्स। ये हो गया 2 + 2 + 2 और ये बनेगा 6। गिनते ही शीबा नीचे बैठे गोपी को आवाज देता है, गोपी 6 बटन। अब शीबा को सेफ्टी पिन्स मिलती हैं और वो उन्हें गिनना शुरू करता है। अरे शीबा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सिर्फ गिनना ही तो है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, पर बहुत ज्यादा सामान है ना, रिपीटेड एडिशन करते हुए वक्त लग जाता है। अरे मल्टीप्लिकेशन टेबल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? है मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन। देखो
इस पेपर पर मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स लिखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करो। पर कैसे? सबसे पहले गिनो के एक ग्रुप या पैकेट में कितनी चीजें हैं तुम्हारे पास, और फिर गिनो के कुल पैकेट या ग्रुप कितने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और टेबल में देखो कि इनका जवाब कहाँ आता है। शीबा गोपी का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल करता है। पहले वो गिनता है कि एक पैकेट में कितने क्लिप्स हैं। 1, 2, 3, 4। एक पैकेट में 4 क्लिप्स हैं। फिर वो कुल पैकेट्स गिनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 पैकेट्स हैं, यानी 4 × 6। जवाब जानने के लिए शीबा 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखता है कि 4 × 6 क्या होता है। आहा, 4 × 6 होते हैं 24, यानी कुल 24 पिंस हैं। चले एक और मिसाल देखते हैं। ये है एक कलरिंग पैक। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर्स हैं। अब देखते हैं कुल पैकेट्स कितने हैं। 1, 2, 3 कुल 3 पैक्स हैं, यानी 6 × 3। इसका जवाब हमें 6 के टेबल में मिलेगा। चले देखते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, और 6 × 3 = 18। तो जवाब हुआ 18, यानी कुल 18 कलर पेंसिल्स हैं। अब शीबा वापस काम पर लगता है। उसे धागों के पैकेट्स मिलते हैं। सबसे पहले वो देखता है कि एक पैकेट में कितनी धागों की नली है। 1, 2, 3 एक पैकेट में 3 नली हैं। फिर वो कुल धागों के पैकेट्स गिनता है। 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 पैकेट्स हैं। अब वो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालता है और उसमें 3 × 5 ढूंढता है। 3 × 5 होता है 15, यानी कुल 15 धागों की नली है। मल्टीप्लिकेशन के तरीके से शीबा जल्दी जल्दी सारा काम कर देता है और नीचे गोपी के पास आ जाता है। वाह शीबा, हमने सारा काम टाइम से पहले ही खत्म कर दिया। अब टाइम बच गया है तो हम मोहल्ले के मेले में जा सकते हैं। आओ चलो। हाँ ठीक है, मैं घर बेगम को बता दूँ। बेगम, बेगम, आज ना मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखी, तो अब मैं मेले पर जा रहा हूँ। वाह, चलो शाबाश, अब घर के काम भी फौरन खत्म करो, मेले पर बाद में चले जाना। अभी प्ले स्टोर से ताली महबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, आज हमने ज़र्ब करना यानी मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। बार बार एक नंबर को ऐड करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो नंबर्स का भी बार बार इस्तेमाल हो गया। वैसे बार बार इस्तेमाल करने से मुझे एक और ख्याल आया कि जैसे चीजों को बार बार इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना होता है, वैसे ही और भी तो कितनी चीजें हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपने शायद सुना हो कि मौसीकी में 7 सुर होते हैं, 7, और उन्हीं 7 सुरों को इस्तेमाल करते हुए इतने सारे गाने, नगमे, तराने बन जाते हैं, इतने कि हम गिन भी नहीं सकते। इसी तरह हर जबान में कुछ हरूफ होते हैं और वही हरूफ बार बार इस्तेमाल होते हैं और इतने सारे अल्फाज बना देते हैं कि हम उन अल्फाज को गिन भी नहीं पाते। कुछ हरूफ हैं जो एक साथ बहुत दफा इस्तेमाल होते हैं, वो हरूफ मिलकर फैमिली भी बना लेते हैं। जी जी, फैमिली, जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं,
हमारे भी घर वाले होते हैं वैसे ही वर्ड्स की भी फैमिलीज होती हैं। ओ वैसे फैमिलीज से याद आया, मैं आपको ड्राइंग का होमवर्क तो दे दूं। तो बच्चों इस किस्त के लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी और अपनी फैमिली यानी अपने घर वालों की प्यारी सी ड्राइंग बनाकर भेजें। भेजने के लिए नंबर स्क्रीन से देख लें। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम एसएमएस करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम एसएमएस करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम एसएमएस करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। हाँ जी, तो अब आते हैं जरा वर्ड फैमिलीज की तरफ। तो वर्ड फैमिलीज में एक ऐसी फैमिली है जिसने आज तालीमाबाद में अफरा तफरी मचा दी है। तालीमाबाद से आपको पिंकी जोजो तो याद आते ही होंगे, तो आइए जरा देखते हैं पिंकी इस वर्ड फैमिली के साथ क्या करेगी। वर्ड फैमिलीज। एक अंधेरी रात की बात है, पिंकी और सब घर वाले अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक जोरदार बिजली चमकी और आसमान पर अजीबोगरीब रंग नजर आने लगे और फिर बड़े बड़े अल्फाबेट्स आसमान से जमीन पर गिरने लगे। और जब सुबह हुई, सब अपने घरों से बाहर निकले तो देखा तालीमाबाद का तो नक्शा ही बदला हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई क्योंकि जगह जगह पर वो खौफनाक अल्फाबेट्स लोगों के लिए मसला पैदा कर रहे थे। इंस्पेक्टर ठाकुर और शहर के सब लोगों ने इनको हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सब परेशान थे, जहाँ भी जाते वहाँ तोड़ फोड़ हो चुकी थी। स्कूल में देखा तो वहाँ भी सब कुछ बिखरा हुआ था। आखिर ये अल्फाबेट्स थे क्या? पिंकी ने सी को देखा और बोला था। जोजो ने दूसरी तरफ देखा और बोला एट, ये तो एट बनता है था, एट। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे था, एट, था, एट, कैट। और वो वर्ड अचानक वहां से गायब हो गया। ब एट, ब एट, ब एट, बैट। एट 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 हैट। पिंकी और जोजो ने इन अल्फाबेट से छुटकारा हासिल करने का हल निकाल लिया था। वो मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते जा रहे थे और वो वर्ड्स वहाँ से उड़ के आसमान की तरफ वापस जाते जा रहे थे। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। शाबाश, आज हमने एट वाली वर्ड फैमिली से काफी वर्ड्स बनाए हैं। आपको पता है और भी कई सारी वर्ड फैमिलीज होती हैं, उनके बारे में भी हम अगली किस्तों में बहुत कुछ सीखेंगे। आज की किस्त में हमने देखा कि जैनब के पहले कदम ने कैसे आलूदगी कम की
उसने हमें याद कराया कि घर, गली और मोहल्ले की सफाई हम सब की जिम्मेदारी है। हमने रिसाइकलिंग के बारे में सीखा, यानी इस्तेमाल शुदा चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाना। सुनो कहानी में अनोखी शादी की कहानी सुनी। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई यानी जर्ब करना भी सीखा। आखिर में हमने वर्ड फैमिलीज के बारे में जाना और एक एट की फैमिली के बहुत सारे वर्ड सीखे। अब बारी है होमवर्क की। आज का होमवर्क एक सरगर्मी है। ये सरगर्मी यानी एक्टिविटी आप अकेले भी कर सकते हैं और अपने बहन भाइयों, अम्मी अब्बू, घर वालों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वैसे तीन कूड़ेदान बनाने हैं। परेशान ना हो, मुश्किल काम नहीं है। ये कूड़ेदान गत्ते से बने हुए हैं। आप इसके लिए घर में पड़ा हुआ कोई भी गत्ता, जूते का डब्बा या ऐसा ही कोई गत्ते का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर किसी भी रंग का कागज गोंद से चिपका दें। मार्कर या पेन से तीनों पर अलग अलग नाम लिख दें। एक पर लिखें प्लास्टिक, दूसरे पर कागज और तीसरे पर फल या सब्जी। ये बनाने के बाद आप इन्हें इस्तेमाल भी कीजिए, यानी कागज, प्लास्टिक और फल सब्जी के छिलकों को एक साथ कूड़े में ना डालें, बल्कि अपने अपने अलग कूड़ेदान में डालें। याद है अनोखी शादी में भी बावर्ची ने कुछ ऐसा ही किया था। जब आप ये तीन कूड़ेदान बना लें तो मुझे हमारे इस दिए हुए नंबर पर अपना नाम, उम्र और शहर का नाम SMS करवा दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और होमवर्क करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300-060-2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।